बिग बॉस सीजन 18 के घर को मिल गया है दूसरा टाइम गॉड यानी कि नया टाइम गॉड। कौन है वो? तो भाई बिग बॉस ने करण वीर और विविन के बीच में रखी है ये वर्बल फाइट। जो जीतेगा इस वर्बल फाइट को वो बन जाएगा टाइम गॉड ऑफ दिस वीक। तो चलो बात करते हैं क्या क्या होने वाला है इस वर्बल फाइट में विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। तो बिग बॉस ने विवियन और हमारे प्यारे से करण वीर को राजकुमार बनाया है और उनकी माताजी बनाया है शिल्पा मैम को, और वो बहुत सही भी है बिकॉज़ जो शिल्पा मैम है वो करणवीर की काफी अच्छी दोस्त है, लेकिन उनके लिए उनके मन में विविन के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब क्या ये फैसला सभी घरवाले करने वाले हैं या फिर सिर्फ शिल्पा मैम? बिकॉज़ इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इस फैसले का। विवियन ने अपने पॉइंट रखने के लिए बोला कि जो हमारे करणवीर है वो फैक्ट्स को ट्विस्ट कर देते हैं, वो रिश्तों को बिल्कुल नहीं समझते हैं, वो मेरे को भी दोस्त बोल के अब दोस्त नहीं मानते हैं, ऐसा इंसान बिल्कुल भी लीडर बनने के लायक नहीं है। लेकिन करणवीर ने वहाँ पर बोला कि लीडर जो होता है वो अपने खुद के एक्शन को एग्जाम्पल बनाकर फिर लीडरशिप दिखाता है, अगर जो चीज़ वो खुद ही नहीं करता वो किसी और को कैसे बोलेगा, कोई उसकी बात को कैसे मानेगा। और साथ में जो उन्होंने चाहत की हाइजीन को या उनके कपड़ों को लेकर मुद्दा बनाया उस बात पर भी करणवीर बोलते हुए नजर आएंगे कि कैसे तू एक लड़की की टॉयलेट हैबिट्स के बारे में नेशनल टेलीविजन पर बोल रहा है, और 3 बजे बर्तन धोकर सबकी नींद खराब करना, ये कहां से लीडरशिप हो गई? एक इंसान को दूसरों की नींद, जो बाकी पूरी प्रजा है उसकी नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है दोनों में से किसके पॉइंट है ज्यादा सही? देखो भाई मेरे को 50-50 लगा, मुझे करणवीर का चाहत का स्टैंड लेना थोड़ा सा सही नहीं लगा, क्योंकि आप बिग बॉस के घर में आए हो, आप लोग सब इक्वल हो और उन्होंने कुछ ऐसा गलत स्टैंड नहीं लिया, उनके कपड़े कॉमन जगह पर पड़े थे, तो अगर वो उस बारे में बोल रहे हैं, अब वो तरीका सही था नहीं था, कोई और तरीका था कि नहीं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत किया। एंड गाइज स्पॉइलर अलर्ट, मैं वापस से बता रही हूँ, अगर आपको नहीं जानना टाइम गॉड कौन है तो प्लीज़ आप यहीं पर वीडियो को बंद कर दीजिए, लेकिन जो जानना चाहते हैं मैं उनको बता देती हूँ कि इस हफ्ते का दूसरे इस सीजन का दूसरा टाइम गॉड, इस हफ्ते का नया टाइम गॉड बन गए हैं विवियन डी सेना। भाई विवियन डी सेना को क्या इस सॉफ्ट कॉर्नर ने जिता दिया है शिल्पा मैम ने, या फिर बाकी सभी घरवालों को उनके मुद्दे सही लगे? देखो भाई करणवीर जो थे वो बड़े ही गुस्से में, बड़े ही एकदम एनर्जी में दिख रहे थे, वहीं जो विवियन है वो बड़े शांत होकर डिबेट कर रहे थे। अब ये सब चीज़ें करणवीर पर भारी पड़ी कि नहीं, आप मुझे कमेंट पे बताना। एंड गाइज आर यू हैप्पी विद द रिजल्ट? आर यू हैप्पी विद द न्यू टाइम गॉड विवियन डी सेना? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका, बाय गाइज, टेक केयर।